स्काइप पे मौजूद है बंटू भाई, पाकिस्तान नंबर वन फ्लिक मास्टर, उनका साथ देंगे उसाम अली सियालकोट, और बॉलिंग साइड पे मौजूद है इनाम काला फ्राम लाहौर। पहला मैच और स्टेडियम पर उस्तादों के उस्ताद उस्ताद शहबाज कालिया, पांच पांच ओवर्स का ये मैच होगा दोस्तों, टू और डाई सिचुएशन होगी, जो टीम आ रही है टूर्नामेंट से आउट होगी, जो टीम जीती वो अगले जाएगी अगले राउंड में। ये खेलने में महारत रखते हैं, क्या करेंगे रिजल्ट के बारे में। पहला बॉल गेम ऑन, पहला बॉल शॉट किया है और पहला छक्का जनाब डीप स्कोर लेके ऊपर से खेला है, सिक्स नंबर वन बाय बंटू भाई फ्रॉम सियालकोट। क्या कहने बंटू भाई के, पहली बॉल पहला छक्का आ चुका है बंटू भाई के बैट से, पाकिस्तान टीम बॉल क्रिकेट का नंबर वन बल्लेबाज बंटू ऑन फायर, पहली बॉल पहला छक्का, इनाम गाला फ्रॉम लाहौर को यहां पर बंटू भाई ने खुशामदीद कहा है छक्का लगाकर। इनाम का अलावा स्किन दूसरा बॉल सामने बंटू भाई, इस दफा फिर चार्ज खेला है सीधे बैट के साथ, फुल टॉस बॉल था और चार्ज किया है, कैच ले लिया है लेकिन अकबर पॉलीवुड पर विकेट बाउंड्री के साथ टच हुए, छह रन मिलेंगे, दो गेंद पर दो छक्के पर बंटू भाई फ्रॉम सियालकोट। क्या कहने बंटू भाई के, दो गेंद पर दो छक्के लगा चुके हैं बंटू भाई के, चाहने वाले वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इस टूर्नामेंट की अंपायरिंग करते हुए शहबाज कालिया इंतजामिया की तरफ से स्पेशली हट किया गया कि ताकि कोई इश्यू ना बने, इस दफा सामने अगेन बंटू भाई, अगला बॉल शॉट, रन मिलेंगे अच्छे, बंटू भाई ऑन फायर, क्या जबरदस्त मैच किया है, सिक्स नंबर थ्री आया, आया बंटू भाई आया सिक्स नंबर थ्री, इनाम अली फ्रॉम लाहौर को एक ओवर में तीन छक्के दे मारे, इनाम अली बिल्कुल परेशान है, पांच गेंद पर 18 रन दे चुके हैं, बड़ा जबरदस्त वेलकम किया है बंटू भाई ने इनाम काला को कि आए जी आए आप सियालकोट आए हैं, एक ओवर का खेल मुकम्मल 18 रन आए, तीन छक्के लगा चुके बंटू भाई और उनका साथ देंगे अब उसाम अली सियालकोट, पांच ओवर का मैच अभी बाकी है। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के ऑल राउंडर माया नासर दाता की नगरी के रहने वाले अकबर पोली फहीम मलिक फ्रंट डेस्क का मानी पाट है, मीटिंग भी अच्छा करते हुए, दूसरा ओवर कौन करवाएगा, सुहेल अयूब को ओवर के लिए लाया गया है, जबरदस्त बोले हैं डिस्कस के नंबर वन ऑल राउंडर कह सकते हैं आप सुहेल अयूब, और माशाल्लाह माशाल्लाह इस टूर्नामेंट के तीन कमेंटेटर है, मैर आरफ सियाल वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, वॉइस ऑफ बखर है, और उसके साथ है सर आसो बुखारी फ्रॉम गुजरात शान पाकिस्तान है, साथ में पोला सियालकोटी फनी कमेंटर फ्रॉम डालवाली, वाओ यार अल्लाह पाक तमाम भाइयों को मजीद कामयाब करे, हर मैदान में कामयाब रखे, बहुत ही तीनों अच्छे इंसान है। एक्स्ट्रा के बाद रिकवर करने की कोशिश करेंगे उसाम अली, हिट करने के लिए रेडी सामने उसाम अली, नेक्स्ट बॉल और क्या तेज शॉट किया है, मुकम्मल बीट हुए हैं फहीम मलिक, चार रन का इजाफा, गोली की तरह शॉट लगाया है उसाम अली सियालकोट ने, बिल्कुल जैसे धोनी एमएस धोनी इंडिया के प्लेयर वहां पर फ्लिक मारते हैं वैसे ही वहां पर हेलीकॉप्टर शॉट लगाया है उसाम अली सियालकोट, इस दफा सामने बंटू भाई 26 रन दुष्के शॉट और लेग अंपायर की तरफ से डॉक्टर अफजल, प्रोफेशनल अंपायर की तरफ से इशारा आ गया नो बॉल, नो बॉल पे छक्का, चौथा छक्का दे मारा बंटू भाई फ्रॉम सियालकोट ने, क्या कहने क्या कहने। सामने बंटू भाई 33 रन दुष्के शॉट, गन 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 इट्स अभी की, और इस दफा कैसे ले लिया है, वाओ यार कैच वहां पर बड़ा जबरदस्त चार्ज किया है सुहेल अयूब ने, बंटू भाई को आउट कर दिया है, ऐसे लगा था कि जैसे ये छक्का हो चुका है लेकिन बंटू भाई चार छक्के लगाकर जनाब पहला खिलाड़ी आउट हो चुका है, 33 रन पर एक खिलाड़ी आउट है, जबरदस्त साफ किए यहां पर ब्लू लाइन कार्ड को उसका ने, एक अच्छा और सुहेल अयूब की तरफ बात करेंगे, नाम काला दाता की नगरी से है हारिस भट, अपनी जान पहचान रखते हैं वंस अगेन, इस दफा सामने उसाम अली हारिस भट शॉट, हारिस भट बाल हवा में, फील्डर नीचे और देखते रह जाएंगे, हारिस भट फ्रॉम सियालकोट है, लेजेंड बैट्समैन है और यहां पर क्या बखूबी खेला छह रन के लिए, 41 रन उसके दोस्तों, दो शरीर एक ओवर के सियालकोट है, उसामा अली सियालकोट का बल्ला खामोश है, कोई बड़ी बाउंड्री लगा सके अभी तक, और इस सवाल लगा दिया है, हाय 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 उसामा सियालकोट की सारे चक्के से एक क्लास अलग है, पहला चक्का लगाने में कामयाब है उसामा अली सियालकोट है, 48 रन उसके दोस्तों, तीसरे ओवर का खेल जारी और
हमारे आप तमाम ही लोग हमारे मौजूद सुहेल अय्यूब वंस अगेन सामने हार्ड नहीं होते यहाँ पर तो फिर ग्राउंड का सजना जो है वो मुमकिन है। बॉल हवा में है, सुहेल अय्यूब के हैं, मानी पाट भी के हैं और कौन कैच लेगा, कैच ले लिया है सुहेल अय्यूब ने, वहां पर बेहतरीन जज किया, क्या बेहतरीन कैच किया है सुहेल अय्यूब फ्रॉम डस्का ने, एक और खिलाड़ी आउट, कमाल बॉलिंग यार, मुश्किल कैच था और बड़ी जबरदस्त एफर्ट सुहेल अय्यूब की तरफ से, 48 रन पर दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में, खूबसूरत आवाज पेश के दिल जीता है। क्या जबरदस्त टाइम किया है सिक्स नंबर टू उस्सा माली, सेलकोट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा चक्कर लगाने में कामयाब है उस्सा माली, सारे जाकी क्लास एक तरफ है, उसामा अली की क्लास एक तरफ है, दूसरा बॉल सामने उसामा अली शॉट और रन मिलेंगे अच्छे सिक्स नंबर थ्री उसामा अली ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, तीसरा चक्कर लगाने में कामयाब है। नेक्स्ट बॉल सामने उसामा अली सेलकोट शॉट और क्या जबरदस्त यार, एक्सीलेंट पावर में उसामा अली सेलकोट है, सिक्स नंबर फोर उसामा अली ब्रांड ऑफ पाकिस्तान है। एक दफा फिर मेरी शॉट, वकार फ्रॉम जेलम सीधे बैट के साथ खेला है 6 रन के लिए और 84 रन हो चुके दोस्तों, एक बॉल आई थिंक ओवर मुकम्मल हो चुका है, 5 ओवर का खेल मुकम्मल, 6 बॉल का खेल, एक अच्छा टारगेट सेट करने की कोशिश है उसामा अली सेलकोट की तरफ से, अगला बॉल शॉट और रन मिलेंगे अच्छे सिक्स नंबर फाइव goes again, goes high, another maximum, 6-5, पांचवा चक्का लगाने में कामयाब है उसामा अली सेलकोट है। 94 रन उसके सामने उसामा अली सेलकोट शॉट, ए पाकिस्तान दे धोनी, एमएस धोनी वाली हेलीकॉप्टर शॉट है, उसामा अली सेलकोट है, उसामा अली के लिए कमेंट करें यार, उसामा सेलकोट के चाहने वाले कमेंट करें, इस स्लो वन, एक और शॉट, एक और छक्का, एक्सलेंट बैटिंग है, 6-7 है, 7वां छक्का लगाने में कामयाब है उसामा अली सेलकोट है और सिक्स दोस्तों 106 रन हो चुके हैं और मोहब्बत सबूत पेश करें यार, दो गेंद पर दो छक्के लगा चुके हैं, क्या हैट्रिक करेंगे और इस दफा स्लो डाउन था, फील्डर मौजूद वहाँ पर और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर और 2 रन का इजाफा, इसी के साथ दोस्तों 108 रन हो चुके हैं, 109 रन का हदफ है, जबरदस्त बैटिंग पे उसामा अली सेलकोट है, 7 छक्के लगाकर नॉट आउट गए हैं, वेरी वेल प्लेड यार। अकबर पोली शानी लाहौर आज के दोस्तों बल्लेबाज के लिए 6 ओवर में एक पहाड़ जैसा हदफ, 109 रन का हदफ मिला है और एक और वाजे बताऊं कि नॉकआउट सिस्टम है, अगर हारे तो टूर्नामेंट से बाहर होंगे और उस्ताद जहर कालिया पहला ओवर करवाएंगे, उस्ताद जहर कालिया पहला ओवर डिलीवर करेंगे, 6 ओवर में 109 रन बिताने हैं। बंटू भाई सरशिबाज काले को अपने प्लेयर्स फील्ड सेट करवाते हुए और साथ बताते हुए कि ये फील्डर है हमारे उस्ताद जहर कालिया सियालकोट की सरफिन के रन और केम ऑन पहला बॉल शॉट, अकबर पोलिशान ने लाहौर है, उस्ताद जहर कालिया को पहली बॉल पे छक्का दे मारा, 109 तक जाना है, पहाड़ जैसा दफा है, समझते इस चीज को के वन मैन आर्मी शो पेश करना होगा, उस्ताद जहर का वेलकम किया है छक्के के साथ, इतना आसान काम नहीं है लेकिन अकबर कोहली जब जब विकेट पर मौजूद है तो मेरा ये मानना है कि अच्छे बल्लेबाज है। तीसरा बॉल सामने अकबर कोहली के खिलाफ शॉट, बॉल हवा में है, कैचेस इन द मैचेस, कैचेस विन द मैचेस, कैच वो ड्रॉप कर दिया अकबर पोली का, कैच ड्रॉप कर दिया उस्ताद जहर कालिया, अपना काम करके थे 30 गेंद पर 100 रन चाहिए मजीद मैच को विन करने के लिए, कैचेस विन द मैचेस है अकबर पोली को चांस, दूसरा बॉल सामने अकबर पोली फ्रॉम लाहौर शॉट और इस दफा 4 रन मिलेंगे, 6 रन मिलेंगे सॉरी, 6 नंबर 2 में अकबर पोली फुल टॉस बॉल किया था, उसे चार्ज किया है, आप जो है 1000 का इनाम होगा, सामने अकबर कोहली स्लो वन और से चार्ज किया है 6 रन के लिए सिक्स नंबर 3 एक्सीलेंट बैटिंग बाय अकबर कोहली फ्रॉम लाहौर, तीसरा छक्का लगाने में कामयाब है, 26 रन हो चुके दोस्तों और नजीब 26 गेंद पर 83 रन चाहिए मैच को विन करने के लिए, दूसरा का 5वां बॉल
और बोल्ड कर दिया नुमान ब्रावो। बताया था कि हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में अपनी टीम के काम आते हैं नुमान ब्रावो। वहां पर मेन बैट्समैन, खतरनाक बैट्समैन अकबर कोहली फ्रॉम लाहौर को आउट कर दिया। तीन छक्के लगाकर आउट हो चुके हैं। जबरदस्त कमबैक बाय अलामा 11 सियालकोट है। वाओ यार, एक्सीलेंट। 13 रन आए इस ओवर में, 26 रन पर पहला खिलाड़ी आउट। एक्सीलेंट बॉल मैन नुमान ब्रावो। फास्ट बॉल नहीं आने वाला, बल्लेबाजमानी पर फ्रॉम डस्का शॉट, शॉट ऑफ द डे मनी बट फ्रॉम डस्का। क्या जबरदस्त शॉट लगा है यार। 6 रन के लिए 6-1। पहली बॉल पहला छक्का। 2 ओवर का खेल मुकम्मल दोस्तों। 32 रन हो चुके हैं। 4 ओवर में 77 रन अभी बाकी मैच को विन करने के। जब कीमती ओवर तीसरा ओवर पहला बॉल सामने फहीम मलिक शॉट और 1 बॉल से 4 रन का इजाफा। दूसरी बाउंड्री लगाने में, सॉरी पहली बाउंड्री लगाने में कामयाब फहीम मलिक। 36 रन उसके दोस्तों। 2 ओवर के बाद और इस दफा शॉट किया है 6 रन के लिए। 6-1 फहीम मलिक का। 2 गेंद पर 10 रन के दोस्तों। 38 रन उसके हैं। हारी वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। नेक्स्ट बॉल, 3 गेंदों में 3 छक्के, 1 और शॉट, 1 और छक्का। फहीम मलिक फ्रॉम डस्का, अनदर मैक्सिमम यार। 3 बॉल खेले, 3 छक्के लगा दिए हैं। कमाल बैटिंग यार। 3 गेंद पर 16 रन दे मारे। 2.3 के बाद दोस्तों 48 रन हो चुके। वन टू बाई जहां पहुंचे जहीर लाडोपिंडी जहां पहुंचे सजावर लाठी के पास। लाठी चार्ज जारी है फहीम मलिक डस्का की तरफ से। हो चुके हैं और 3 ओवर में 57 रन चाहिए। 109 तक जाना। उस्ताद जहीर काली आए हैं चौथा ओवर देकर। सामने फहीम मलिक डस्का। कीमती ओवर है दोनों टीमों के लिए। और बोल्ड कर दिया इनसाइड एच, बेहतरीन बॉल है। फहीम मलिक फ्रॉम डस्का आउट हो चुके हैं। उस्ताद आखिर उस्ताद होते हैं। बड़ी विकराल ले उड़े उस्ताद जैद कालिया। अब 17 गेंद पर दोस्तों 56 चाहिए, 57 चाहिए दोस्तों। 5 गेंद पर सिर्फ 2 रन चाहिए। एक्सलेंट ओवर उस्ताद जैद कालिया। सामने मानी बाट कामयाब है। एक्सीलेंट ओवर उस्ताद जैद कालिया। सिर्फ 2 रन ही हैं और एक कीमती विकेट फहीम मलिक आउट किया है। मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया है। अब 12 गेंद पर 52 चाहिए, 55 चाहिए। 12 बॉल 55 शॉट। सहेल अयूब 9 छक्के चाहिए थे तो पहला छक्का लगाने में कामयाब है सहेल अयूब फ्रॉम डस्का। अब 11 गेंद पर 200 रन चाहिए, 49 मैच को विन करने के लिए। शॉट खेला है इस दफा, कैप शॉट है, 4 रन का इजाफा। 2 गेंद पर 10 रन दर्ज के दोस्तों। आप रन चाहिए 45, 10 गेंद पर 45 चाहिए मैच को विन करने के लिए। क्रिकेट की एक अच्छी खासी तादाद यहां पर कुछ नहीं बनेगा। 44 रन शॉट, 6 नंबर 2 मनी बट ऑन फायर। देर कर दी मेहरबान आते। अब दोस्तों 38 रन चाहिए मैच को विन करने के लिए। नॉकआउट सिस्टम जो टीम हारी वो बाहर। लास्ट ओवर 38 रन। सेलियो पास 6 नंबर 2 एक्सलेंट पावर। अब 5 गेंद पर 32 रन चाहिए। हार जीत गेम कैसा लेकिन कमाल बैटिंग यार। 5 गेंदें रन चाहिए 32। अगला बॉल स्लो वन टॉप एंड सिकला। फील्डर मौजूद हैं। उसका सिर का लिया कैसे ले लिया है खिलाड़ी आउट। अब मैच विन कर लिया यहीं पर जनाब उस्ताद जैद कालिया। पंटू भाई उस समर सियालकोट लोगों ने आते हुए, लेकिन आज सियालकोट से जो मुझे मैसेज अच्छा लग रहा है ये यकीनन मैं 3 बॉल 31 रन से अपने कमेंट्री पैनल की तरफ से एलियान सियालकोट को सलूट पेश करूंगा जो बड़े नज्म और जब्त बस आखिरी मानी बट कि अभी ग्राउंड में एक्सीलेंट टाइमिंग 6-3 ग्राउंड में नहीं आना। इस अच्छा कल करने में कामयाब दोनों टीम देखते हैं। शेख अदीस साहब 2 बॉल जो कि 25 रन शॉट किया इस दफा। शेख राज साहब इस और इस दफा 4 रन मिलेंगे उनका शुक्रिया। मैच जीत रहे हैं उस समर सियालकोट पंटू भाई उस्ताद जैद कालिया। एक्सलेंट ओवर बे उस्ताद जैद कालिया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक लाजमी करना। थैंक यू सो मच।